अस्सलाम वालेकुम। कभी आप 100 बच्चे को पाकिस्तान में से पूछो कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो पता है क्या जवाब देंगे? 40% तो बोलेंगे, 40 बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, 40 बोलेंगे मुझे इंजीनियर बनना है, और बीच में से एक और दो जिससे मैंने खुद अभी पूछा है यही सवाल मैंने किया, तो वो क्या कहते हैं, कोई बोलता है मैंने आर्मी में वो क्या कहना है आर्मी डॉक्टर बनना है, और उनका या कुछ आर्मी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तो आर्मी है जिंदाबाद, ठीक, उसके बाद डॉक्टरी कह देते हैं या इंजीनियरिंग कह देते हैं पूरे उनमें से शायद एक ने मुझे बोला था कि मैंने बिज़नेस करना है, क्योंकि उसके अब्बू से मैंने काफ़ी अरसा बात किया और वो कहते हैं कि जी एफ ए के बाद मैंने उसको सिर्फ बिज़नेस में डालना है, क्योंकि डिग्री लेने का वो क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं है। शायद उन्होंने मेरे वीडियो देखे या उन्होंने शायद हकीकत देखी और देख लिया कि डिग्री की हकीकत क्या है। तो मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, उर्दू वाले बिज़नेस आइडियाज़, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में करियर एडवाइस नहीं होती, कोई उनको बिठा के ये नहीं बोलता कि यार डॉक्टर के अलावा हज़ारों चीज़ें, और डॉक्टर भी पूछो तो उनको नहीं पता होता कि मैंने दिल का डॉक्टर बनना है, मैंने सर्जन बनना है, या मैंने अपना कोई पोडियाट्रिस्ट बनना है, या पीडियाट्रिशियन बनना है, या मैंने जनरल प्रैक्टिशनर बनना है, या डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, कुछ नहीं उनको पता होता, बस जी मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है। और इंजीनियरिंग के भी हज़ारों वो क्या कहते हैं शोबे होते हैं, वो शाखें होती हैं। अगर ये बात हकीकत होती है, अगर वाकई 40% हमारे डॉक्टर जो कहते हैं हमने बनना है, और 40% अगर इंजीनियर बनना है और फिर आर्मी में जाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होता कि हमारे पास आधी आवाम डॉक्टर होती, आधी आवाम इंजीनियर होती, और हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। हकीकत यह है कि ऐसा नहीं होता, जब वो बड़े हो जाते हैं वो भूल ही जाते हैं कि हमने कभी कहा था कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और जब बड़े हो जाते हैं फिर वो देखते हैं कि वाकई हकीकत यह है कि इतनी आसानी से हम डॉक्टर बन भी नहीं सकते, ना सब डॉक्टर बन सकते, ना सिर्फ सब इंजीनियर बन सकते, और अगर ऐसा होता भी तो फिर मुझे यहाँ पे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुश होता, चलिए आधा पाकिस्तान हमारा डॉक्टर आधा हमारा इंजीनियर है, बट हकीकत ये नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सो जब मैं 100 वीडियो बनाऊंगा, और इंशाल्लाह आधे तो तैयार हो चुके हैं, बस उनको निकालना ही है, मैं उनके जहन में डाल रहा हूँ कि यार मैं शीशे बाकी साफ़ कर सकता, ना कि नक्शे इज्जतदार रोटी कमा सकता हूँ, मैं कपड़े बेच सकता हूँ यार, या मैं कार वॉश खोल सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास वो कागज़ हो जिसपे किसी का ठप्पा हो गया जी मुझे उसी बिना पे कोई खोलने देगा। यू हैव ज़ाहिर है एवरी बिजनेस में कुछ ना कुछ तो पैसा डालना पड़ता है, अगर आप वही पैसा यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो, मुझे कोई ये बहाना नहीं डाल सकता, जिसको काम करना होता है ना वो ये मुझे बहाना नहीं देगा जी इसमें पैसे लगते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे हैं, रोज़मर्रा अपना ज़िंदा रहने के लिए पैसे हैं, तो आप एक बिज़नेस के लिए पैसे क्यों नहीं है? आप प्लम्बर बन सकते हो, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, हमें कोई बैठ के ये ऑप्शन देता ही नहीं है। यहाँ पे यूके में एक चीज़ होती है, प्राइमरी स्कूल में एक करियर एडवाइज़र आते हैं, होते ना कम है लेकिन कम अज़ कम पूछते तो हैं ना, यार ये देखो आप ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, आप में अगर जो भी आपका शौक है ये चीज़ बन सकते हो, या आप जब स्कूल में जाते हो तो फिर वो आते हैं फिर आपको तनख्वाह बताते हैं कि जी अगर आप फलां बन गए तो आप ये लोगे, अगर आप थेरापिस्ट बन गए आप ये लोगे, अगर आप डेंटल नर्स बन गए तो आपको ये तनख्वाह मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेरे जो 100 पे मैं क्यों रुकूँ, मैं ज़ाहिर इससे ज़्यादा भी बना सकता हूँ, इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ, मुझे ये नहीं है कि मेरे अगर 20,000 एक वीडियो को कोई देखता है तो 20,000 के वीडियो विंडो वॉशर बन जाएंगे, क्यों? कुछ लोग वैसे ही मज़े के लिए देखते हैं, कुछ आइडियाज़ के लिए देखते हैं, ओके। सो अगर उसमें से एक बंदा भी कामयाब हो जाता है ना, एक बंदा भी उसको पकड़ लेता है और उसकी हलाल रोज़ी लग जाती है, तो मैं बोलूँगा आज़ाद चाय वाला जिंदाबाद, यू नो सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, क्योंकि 100 बंदे की रोज़ी लग गई है, राइट? उसकी उनकी अम्मी उनकी बहनें उनकी वाइफ उनकी फैमिली को खुद मुझे दुआएं देंगे, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अपने गर्ज के लिए अपना ये चला रहा हूँ क्योंकि लालची बंदा हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू हैवन, जन्नत जाना है मुझे, एंड आई वॉन्ट टू बेनिफिट पाकिस्तानीज, सो दैट्स इट, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है, और इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान में करियर एडवाइस नहीं है। अगर आप माँ बाप हो या कोई चाचा कोई एनी बड़ी अथॉरिटी टीचर हो तो प्लीज़ अपने बच्चों को और करियर्स की भी एडवाइस करो, ठीक है। ओ ये बाय द वे, वो जो मैंने बोला था 40% डॉक्टर 40% इंजीनियर, उसमें जो लड़कियाँ थी उन्होंने काफ़ी बार ये भी बोला था कि हमने टीचर बनना है। सो ऑनेस्टली टीचर आर्मी डॉक्टर इंजीनियर के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, ओके, ठीक है। सो प्लीज़ उनको बताइए कि हज़ारों होते हैं, आप कसाई बन सकते हो, आप नाई बन सकते हो, वो भी इज्जतदार हैं, वो भी हज़ारों लाखों कमाते हैं। मैं कितनों को जानता हूँ जो कसाई हैं वो अपना डॉक्टर से ज़्यादा कमाते हैं, जो नाई हैं वो डॉक्टर से ज़्यादा कमाते हैं, बिकॉज हुनर है एक हाथ में हलाल की कमाते हैं, ओके, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो पुराने ज़माने में होता जब हम इंडिया में रहते थे, इंडिया नहीं चलिए इंडिया भी अपना ही है, लेकिन यानी कि जब हम हिंदू हुआ करते थे और हमारी एक कास्ट सिस्टम हुआ करती थी, ओके, कि जी ये मोची है ये फलां फलां है, मोची यहाँ पे एक टिम्सन है, उनकी पता नहीं 200-300 ब्रांचेज हैं यहाँ पे और वो सिर्फ मोची का काम करते हैं,
ताले वगैरह और मोच एंड इतना वो कमाते हैं यार, इतनी मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस नहीं होंगी जितनी उनकी है यहाँ पे. ओके तो एनीवे बस ये था, यही मैंने कहना था. अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, मैं आजाद चाय वाला. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है नीचे यूट्यूब के वो दबाना मत भूलिएगा. अगर आप फेसबुक पे हो तो फिर भी आप youtube.com/आजाद चाय वाला पे जाके प्लीज इस बटन को जरूर दबाइएगा. मुझे ना उर्दू का सबसे पहले 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बनाना है और वो सिर्फ आपकी मदद से बना सकता हूँ. सो अगर कोई दादा मामा चाचा फुफरा हालू पड़ोसी भाई बहन भतीजा मिलता है तो उसके पास अगर YouTube का अकाउंट है, नहीं है फिर भी बना के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा. मैं हूं आजाद चाय वाला. अपना ख्याल रखिएगा, आपके थैंक यू का बहुत बहुत, आपके थैंक यू का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.